खरगोन जिले में एक फर्जी कंपनी द्वारा ग्रामीणों से राशि जमा कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। कंपनी के नाम पर किसानों से और अन्य लोगों से साल भर में हर माह 16% रिटर्न मिलने और लग्जरी कार जिताने के लालच में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। बोराव के हेमेंद्र यादव ने बताया कि नीट कार कंपनी है जिसके माध्यम से निवेश किया था, जिसमें 600 से 700 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। यादव ने बताया कि 17 लाख मेरे हैं, इसी तरह हरि यादव के 24 लाख हैं और ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने लाखों रुपया निवेश किया है। कंपनी के नाम से प्रलोभन देते थे कि हर माह आपको 16% वापस दिया जाएगा, कार दी जाएगी और इसका मुनाफा डबल दिया जाएगा। यादव ने बताया कि कसरावत थाना, गोगावा थाना सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय को शिकायत की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करही निवासी नितेश साहू और कसरावत निवासी पुनीत नडीवाल और बंसीलाल नडीवाल नाम के इन लोगों ने फर्जी कंपनी बनाकर ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। उनकी तलाश जारी है, पुलिस जांच में जुटी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जिला खरगोन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुछ आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन दिए गए हैं। इसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि नेट कार टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी, जिस पर उनके द्वारा लोगों को 16% मासिक ब्याज की दर से लाभांश देने और उपहार स्वरूप उनको टू व्हीलर और फोर व्हीलर देने के संबंध में प्रलोभन दिया गया। इस पर से थाना क्षेत्र में कई लोगों ने उसमें बड़ी धनराशि जमा कर दी और अब जब वो अपनी धनराशि लेने के लिए उनके पास जा रहे हैं तो उस कंपनी के लोग गायब हैं। इस संबंध में आवेदकों के द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में कसरावत, गोगावा, करही में आवेदन दिए गए हैं। उन समस्त आवेदन पत्रों की भी जांच की जा रही है। उनके द्वारा कुल कितना पैसा जमा किया गया, कब तक जमा किया गया है, इन सब चीजों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। सर, ठगे गए लोग 600-700 लोग बता रहे हैं। अभी तक के जो आवेदन प्राप्त हुए उसमें अभी तक कुल संख्या लगभग कितनी है इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन आवेदन लगातार प्राप्त होते जा रहे हैं और जो आरोपी पक्ष हैं नितेश साहू, पुनीत नाडीवाल और बंसीलाल नाडीवाल, इन सबको भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है ये लोग कहाँ पर हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि मंत्री जी के चचेरे भाई भी हैं ठगी शिकार में, कृषि मंत्री के। जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में क्योंकि कृषि प्रधान जिला है तो काफी लोग इसमें उलझ गए हैं पैसे के लालच में, तो उसमें कई लोगों के जो आवेदन प्राप्त हुए सभी की जांच की जाएगी। इसमें नितेश साहू, पुनीत नाडीवाल, बंसीलाल नाडीवाल ये लोग थे, परिचय भी था इनसे, तो हमने कंपनी पे गए, इनके थ्रू निवेश कर दिया था हमने और बाकी बहुत सारे लोग हैं इसमें जिन्होंने निवेश किया था। तकरीबन इन्होंने पूरी धोखाधड़ी के साथ 40 से 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है अन्य लोगों से। उसमें बहुत सारे किसानों के पैसे भी हैं, बहुत से लोगों के पैसे भी उसमें दिए हुए थे। किस प्रकार से धोखाधड़ी करते थे ये? कंपनी के नाम से प्रलोभन देते थे कि आपको इसका 16% रिफंड होगा हर मंथ और आपको गाड़ी दी जाएगी और इसका डबल पैसा आपको फिर वापस मुनाफे के साथ वापस दिया जाएगा। जैसे मेरा 17 लाख रुपए लगा था, एक बोराव के हरि भाई यादव हैं उनका भी शायद 24 लाख के समथिंग लगा हुआ था, बाकी अन्य लोग हैं जैसे कुंडिया में भी शिकायत, गोगावा थाने पर शिकायत हुई है, हमने कसरावत करी है, मिनगांव थाने पर भी शिकायत हुई है, एसपी साहब को भी हमने आवेदन दिया हुआ है, तो एसपी साहब ने भी हमें जांच के निर्देश दिए हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।